नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ गायत्री। जगत जननी माँ आदि शक्ति की आराधना के अद्भुत अवसर शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि पर गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीठ की परंपरा का निर्वहन किया। उन्होंने परंपरा अनुसार 9 दुर्गा स्वरूपा कुमारी लड़कियों का कन्या पूजन किया। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री गोरक्षा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर स्थित अपने आवास के शक्ति पीठ में सोमवार सुबह शारदीय नवरात्र की महानवमी तिथि को देवी दुर्गा के 9वे रूपों में मां सिद्धिरात्रि का पूजन अर्चना की, उसके बाद कन्या पूजन का अनुष्ठान किया। इस अवसर पर गोरक्षा पीठाधीश्वर कुंवारी कन्याओं के पांव पखार कर श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना और उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा और उपहार देते हुए नजर आए। इस दौरान परंपरा के अनुसार बटुक पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी तिथि को गोरक्ष पीठ की परंपरा के अनुसार विधि विधान से महानिशा पूजन व हवन किया और लोक कल्याण की मंगल कामना की। फिर महानवमी के अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के भोजनालय में पीतल के बर्तन पर 9 कन्या बालिकाओं को बारी बारी से पांव धोए। इसके साथ दुर्गा सप्तशती मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने माथे पर तिलक लगाया और उनको दक्षिणा और उपहार देते हुए उनका आशीर्वाद भी लिया। पूजन के बाद कन्याओं को खुद के हाथ से भोजन परोसा। 9 कन्याओं के अलावा बड़ी संख्या में पहुंची बालिकाओं और बटुकों का भी मुख्यमंत्री ने पूजन किया और घंटी बजाते हुए आरती उतारी। इस पूजन के अंत में योगी ने मीडिया से बातचीत के दौरान यह भी बताया कि यह पूजन मातृ शक्ति के प्रति सम्मान और सशक्तिकरण का बहुत अच्छा माध्यम है। आपको बता दें कि इसके बाद योगी मंगलवार को दशमी तिथि पर गोरक्ष पीठ से निकलने वाले परंपरागत विषय दशमी शोभा यात्रा तक गोरक्ष भूमि पर शक्ति की भक्ति में रत रहेंगे। यह मातृ शक्ति के प्रति सम्मान और सशक्तिकरण का एक बहुत अच्छा और पवित्र माध्यम भी है। पूरे प्रदेश में इस अवसर पर जहां 9 दुर्गा पूजा के कार्यक्रम हर्षोल्लास और उमंग के साथ आयोजित हो रहे हैं, वहीं शासन के स्तर पर मिशन शक्ति का कार्यक्रम भी बहुत प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। आज की इस खबर में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश। जय हिंद।